कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पिछला एप्लीकेशन को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कि एप्लीकेशन में आपको मेंबरशिप लेना चाहिए या फिर नहीं, कि एप्लीकेशन रियल है फिर फेक। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक सरफराज। दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर को ओपन कर दीजिए और सर्च बार में टाइप कर दीजिए पिच लाइव। देख सकते हैं सर्च करने बाद आपको सेकंड नंबर पे मिल जाएगा जिसका लोगो कुछ इस तरह का, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और ओपन करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप इसे देख सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन में क्विक लॉगिन करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने बाद क्विक लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप इस एप्लीकेशन के अंदर फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने बाद फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर इस एप्लीकेशन के अंदर जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने बाद जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इसे क्विक लॉगिन करने वाले, तो हम इसे क्विक लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्विक लॉगिन के ऊपर क्लिक करने बाद जैसे हमने क्विक लॉगिन कर लिया और देख सकते हैं हम इसे कैंसिल कर देते हैं। हमको यह मेंबरशिप परचेज करने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं ही बताऊंगा कि आपको इसी के अंदर मेंबरशिप लेना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों ये वीडियो आपने मिस कर दी तो आप इसे एप्लीकेशन के अंदर मेंबरशिप लेंगे और फिर आपको बाद में फिर पछताना पड़ेगा। और देख सकते हैं जैसे आप इस प्रोफाइल को लाइक करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने बाद लाइक कर सकते हैं, और वीडियो कॉल लगाना चाहते हो तो इसे क्लिक करने बाद वीडियो कॉल लगा सकते हैं, और हाई करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने बाद हाई कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करने बाद जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स मिल जाएंगी और देख सकते हैं किसी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने बाद वो प्रोफाइल ओपन हो जाएंगी और ऐसे स्लाइड करने बाद उनकी और भी इमेज देख सकते हैं। और उस प्रोफाइल को लाइक करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने बाद लाइक कर सकते हैं, या फिर इस प्रोफाइल को आप रिपोर्ट करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने बाद थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद आप इसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और देख सकते हैं ऐसे हाई वाला ऑप्शन मिल जाएगा तो हम इसे बैक कर देते हैं। और देख सकते हैं आपको दूसरी कोई कंट्री की आपको प्रोफाइल देखना है तो आप इसे देख सकते हैं। जैसे ग्लोबल है, इंडोनेशिया है, आपको इसे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज मिल जाएंगी। अगर इसी के अंदर से आपको कोई भी नहीं चाहिए तो देख सकते हैं ऐसे थ्री डॉट ऑप्शन मिल जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करने बाद आप इसे और भी ज़्यादा कंट्री की प्रोफाइल देख सकते हैं। देख सकते हैं वीआईपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद आप ऐसे वीआईपी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी आप इसी के अंदर वीआईपी परचेस मत कीजिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एप्लीकेशन के अंदर आपको मेंबरशिप लेना चाहिए या फिर नहीं। और देख सकते हैं सेकंड नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा नियर बाय वाला, और नियर बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद जो आपके नियर बाय प्रोफाइल्स वो आपको शो हो जाएंगी। और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे नियर बाय प्रोफाइल्स है, 1 किलोमीटर देख सकते हैं, 5 किलोमीटर आपके सामने जो आपकी जितना किलोमीटर है आपको ऐसे शो हो जाएंगी। और आप हाई करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने बाद हाई कर सकते हैं, या फिर इस प्रोफाइल को आप ओपन करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने बाद प्रोफाइल को ओपन कर सकते हैं। और देख सकते हैं हमारे सामने वो प्रोफाइल ओपन हो चुकी है और हम इसे और भी इमेज देख सकते हैं उन्हीं का, तो हम इसे बैक कर देते हैं। और देख सकते हैं आपको इसे मैसेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस मैसेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करने बाद पे आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ जाएंगे, बट हमको अभी तो मैसेज नहीं आया बट आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ जाएंगे। और देख सकते हैं ऐसे फ्रेंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद सबके फ्रेंड्स देख सकते हो। देख सकते हैं ऐसे मी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद ऐसे आप आपकी प्रोफाइल देख सकते हो। देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल एडिट करने के लिए ऐसे पेंसिल वाला ऑप्शन मिल जाएंगे, इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद आप ऐसे आपकी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। हम इसे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो। पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद ऐसे आपका नेम फिलअप कर दीजिए और ऐसे आपकी बर्थ अपडेट फिलअप कर दीजिए और आपका ऐसे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। और देख सकते हैं आपके बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो आपके बारे में लिख सकते हैं, या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। देख सकते हैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद आप इसे लॉग आउट करना चाहते हो तो इसे क्लिक करने बाद लॉग आउट कर सकते हैं। और देख सकते हैं जैसे आपकी आईडी मिल जाएंगी, जो इस एप्लीकेशन के अंदर कोई सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल आ जाएंगी। और देख सकते हैं ऐसे लैंग्वेज मिल जाएंगी, और देख सकते हैं आप ऐसे प्राइवेट पॉलिसी पढ़ सकते हैं, तो हम इसे बैक कर देते हैं। और देख सकते हैं ऐसे आपके जेम्स कितने वो आपको दिखाई देंगे और डायमंड्स कितने वो आपको दिखाई देंगे। अगर आपको इसी के अंदर आपकी प्रोफाइल इमेज डालना है तो ऐसे क्लिक करने बाद डाल सकते हैं। और देख सकते हैं वीआईपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद ऐसे आप वीआईपी परचेस कर सकते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और ऑर्डर रिकवर्ड के ऊपर क्लिक करने बाद जितने बार आपने वीआईपी लिया आपको सभी लिस्ट मिल जाएंगी। और लकी स्पिन के ऊपर क्लिक करने बाद आप ऐसे लकी स्पिन कर सकते हैं। और देख सकते हैं तो दोस्तों इसी तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन रियल है फिर फेक। दोस्तों ये एप्लीकेशन रियल है फिर फेक मैं आपको बताना चाहूँगा। देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा इसी के अंदर प्रोफाइल्स मिल जाएंगे, और हम नियर बाय वाले ऑप्शन पे चलते हैं तो हमको भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स मिल जाएंगी, बट ये हमारे आसपास की कोई भी एक भी प्रोफाइल नहीं लग रही हमको, क्योंकि हमको पता है हमारे आसपास कोई भी नहीं है। और देख सकते हैं आपके सामने यही प्रोफाइल्स ओपन हो जाएंगी, अगर नहीं होता तो दूसरे कोई से हो जाएंगी, बट इसी तरह से सभी प्रोफाइल्स ओपन हो जाएंगी। और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेज मिल जाएंगे, बट हमको अभी मैसेज नहीं आ रहा। और दोस्तों हम चलते हैं पब्लिक रिव्यू की तरफ, और देख सकते हैं हम प्ले स्टोर को ओपन कर दिया, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद देख सकते हैं सी ऑल रिव्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
और सी वर्ल्ड रिव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हो लोगों को ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसी के अंदर रिव्यू दिया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को फेक बताया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को रियल बताया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको मेंबरशिप लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करता कि आप इसी के अंदर मेंबरशिप ले। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो फिर भी आपको मैसेज तो नहीं आएगा, अगर आप मैसेज करते हैं तो रिप्लाई भी नहीं आएगा, क्योंकि उस सभी प्रोफाइल बॉट प्रोफाइल्स होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे YouTube चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।